गुड मॉर्निंग क्लास सेकंड बच्चों, सब्जेक्ट है आपका हिंदी फर्स्ट। तो चलिए आप भी अपनी हिंदी फर्स्ट की पुस्तक रिमझिम खोल लीजिए। और इसमें हम अध्ययन कर रहे थे अध्याय 14, जिसका नाम है नटखट चूहा। तो हम इसमें दिए गए प्रश्न उत्तरों को अपनी कॉपी में कर रहे थे। तो आज आप देखिए पेज नंबर 93 में। तो यहाँ पे हमने कल सबसे पहले जो ऊपर लिखा है कहानी से में दिए गए जो यहाँ पे प्रश्न हैं, पूछे गए जो प्रश्न हैं, इन्हें अपनी कॉपी में करा। और आज है पहले क्या हुआ, कहानी में पहले क्या हुआ यहाँ पे पूछा जा रहा है। और यहाँ पे कुछ वाक्य लिखे हुए हैं जिन्हें हमने क्रम में लगाना है, लिखना है। तो आज आप पहले क्या हुआ इन्हें क्रम में लिखेंगे। तो देखिए इस तरह से, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा है चूहा राजा के दरबार में गया, दर्जी ने चूहे की टोपी सिल दी, चूहा दुकानदार के पास सितारे लेने गया, चूहे को रेशमी कपड़े की कतरन मिली, चूहा सिंहासन पर बैठ गया, और फिर है चूहा तैयार होकर शहर की तरफ निकल पड़ा। तो बच्चों हमने इन्हें सही क्रम में लिखना है कि हमने कहानी में पढ़ा था कि सबसे पहले क्या था, चूहा जब अपने बिल में बैठा बैठा बोर हो गया तब तो वह तैयार होकर कहाँ की ओर निकल पड़ा, तैयार होकर वो शहर की ओर निकल पड़ा था। तो इसलिए यहाँ पर देखो जो लास्ट वाला है आपको इस पे इसे सबसे पहले लिखना है। तो यहाँ पे इस पे पहला नंबर लिख लीजिएगा, ये पहला नंबर, इसे आप सबसे पहले लिख लीजिएगा, चूहा तैयार होकर शहर की तरफ निकल पड़ा। और फिर वो क्या था, फिर वो कपड़ों की दुकान में घुसता है ना अपने लिए टोपी सिलवाने के लिए, कपड़ा लेने के लिए, तो चूहे को रेशमी कपड़े की कतरन मिली। तो वहाँ पे दर्जी उसे रेशमी कपड़े की कतरन देता है। तो यहाँ पे इस पे आप दूसरा नंबर लिख लीजिए, ये आपका नंबर दूसरा है, पहले के बाद इसे लिखिएगा आप। फिर है, फिर वो कहाँ गया, दर्जी के पास गया, दर्जी ने उसके लिए क्या किया, टोपी सिली ना। तो ये आएगा तीसरा, ये मैं आगे पीछे कर रही हूँ क्योंकि जगह नहीं है, इसलिए यहाँ पे भी लिख देती हूँ मैं, तीसरा ये, दूसरा ये, पहला ये, इस तरह से। और फिर चूहा दुकानदार के पास सितारे लेने गया, और जब चूहे की टोपी सिल गई थी फिर उसे क्या लगी, वो टोपी पहनकर एकदम सादी सिंपल सी लगी, तो उसने क्या सोचा, मैं इस पे क्या करूँगा, सितारे लगवाऊँगा। तो वो कहाँ गया, फिर सितारे की दुकान में गया। तो ये आएगा आपका नंबर फोर, चूहे दुकानदार, चूहा दुकानदार के पास सितारे लेने गया, ये आपका नंबर फोर। और फिर है चूहा, जब चूहा बड़ा खुश होता है अपनी टोपी को देखकर, टोपी पहनकर अपने को देखकर, तो वो क्या सोचता है कि मैं किसी राजा से कम नहीं हूँ। तो फिर वो चूहा कहाँ जाता है, राज दरबार में चला जाता है, राजा के दरबार में चला गया। तो ये आएगा आपका नंबर फाइव, नंबर पाँचवा। और फिर क्या होता है, फिर जब चूहा राजा को बोलता है कि मुझे अपनी राजगद्दी में बैठने दो, तो तब चूहा कहाँ बैठता है, सिंहासन में बैठ जाता है ना। तो इस तरह यहाँ पे चूहा सिंहासन पर बैठ गया। तो ये आएगा आपका छठवां नंबर, सबसे लास्ट में आप ये लिखेंगे। तो इस तरह आप सबसे पहले इसे, चूहा तैयार होकर शहर की तरफ निकला, फिर दूसरा चूहे को रेशमी कपड़े की कतरन मिली, तीसरा दर्जी ने चूहे की टोपी सिल दी, चौथा चूहा दुकानदार के पास सितारे लेने गया, पांचवां चूहा राजा के दरबार में गया, और छठवां चूहा सिंहासन पर बैठ गया। तो इस तरह आप इन्हें सही क्रम में लिखेंगे अपनी कॉपी में। तो आज आप बच्चों इन्हें अच्छे से सही क्रम में लिख लीजिए अपनी कॉपी में। ओके बच्चों, थैंक यू।